रहमान रहीम। ये हम एक ऑब्स्टेट्रिकल स्कैन कर रहे हैं, तो इसमें एक चीज जो बड़ी वाजे नजर आ रही थी वो ये है कि बीपीडी और एचसी से और एफएल से एक गैप आ रहा था एज का, जो पहली चीज इम्पोर्टेंट है। ये देखें, करीब करें, ये देखें ना जी, ये एज आती है 17.6 वीक्स बीपीडी से, और ये मैंने ली फीमर, ये आई 20.3 वीक्स। तो ये फर्क है तकरीबन 2 हफ्ते का अभी से। तो मैं चौंक गया भी, ये हेड को क्या हो गया। अब मैंने गौर से देखा तो हमें ये हेड के ये ऑक्सीपिटल रीजन में यहाँ पे ये ऑक्सीपिटल रीजन में मुझे ये ब्रेन टिश्यू बाहर निकला हुआ नजर आया। ये तो ये ऑक्सीपिटल रीजन में क्या चीज है जी, एनकेफलोसील। तो ब्रेन टिश्यू चूंकि बाहर आया हुआ है, एनकेफलोसील है, इसलिए वो माइक्रोकफैली हो गई, हेड छोटा हो गया। और एक जो चीज इम्पोर्टेंट है वो है इसका, ये स्टमक है लेफ्ट साइड, और ये इसके राइट किडनी जो है, ये किडनी तो ठीक पड़ा हुआ है अदरवाइज। ये देखें, ये तो इसकी पेल्विस जो है डायलेटेड है। तो ये कंजेनिटल निर्णय करें, कंजेनिटल पीयूजे नर्विंग है, ये वाला किडनी ठीक है। तो मेन जो इस वक्त जो पैथोलॉजी है वो यही है। ये हेड देखा, बड़ी एहतियात से देखना पड़ता है, क्योंकि वैसे रूटीन में तो देखे ना, ये ऐसे हम चले जाते हैं टपोलिया मार के। तो ये असल ये है कि हेड के साथ जब माइक्रोकेफैली नजर आई तो उसकी वजह ये बनी हुई थी, ये वाली एनकेफलोसील। थैंक यू वेरी मच।